हथियार के बल पर दिन दहाड़े सीएसपी संचालक से 3.5 लाख रुपए की लूट। गढ़वा दृष्टि से संवाददाता अरमान खान की रिपोर्ट। बैंक से पैसा लेकर जा रहे सीएसपी संचालक से दिन दहाड़े हथियारबंद अपराधियों ने 3.5 लाख रुपए लूटे। डंडई गढ़वा। डंडई थाना क्षेत्र के औरैया पुल पर बाइक सवार हथियारबंद अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 3,50,000 रुपए लूट लिए। बैकऑफ अपराधी 2 की संख्या में थे, जो एक व्हाइट कलर के अपाची बाइक पर सवार थे। इधर घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जरही गांव निवासी सीएसपी संचालक चंदन प्रसाद से घटना की पूरी जानकारी लिया। पुलिस हुलिया एवं तकनीकी सूत्र के आधार पर छानबीन शुरू कर दी है। घटना दोपहर करीब 3 बजे की बताई जा रही है। गढ़वा पीएनबी बैंक से पैसा लेकर घर जाने के दौरान हुई वारदात। भुक्तभोगी डंडई थाना क्षेत्र के जरही गांव निवासी चंदन प्रसाद सीएसपी संचालक है। चंदन ने बताया कि वह गढ़वा के पीएनबी से सोमवार के 2:30 बजे 3.5 लाख रुपए की निकासी कर अपने घर जा रहा था कि गांव पहुंचने से पहले ही तसरार गांव के समीप औरैया पुल पर ओवरटेक कर बंदूक का भय दिखाकर रुपए से भरा बैग को लेकर चंपत हो गए। घटना के संबंध में थाना प्रभारी सुनील कुमार पटेल ने बताया कि घटना की लिखित जानकारी भुक्तभोगी द्वारा किया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।